भी पूरी देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी निमित्त मोदी सरकार के एक साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को बताने के लिए पूरे देश में वर्चुअल रैलियों का अभियान चलाया है और उसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में भी वर्चुअल रैली की शुरुआत कल से हुई। पूरे 28 जिलों की यह वर्चुअल रैली हो रही है और विशेष रूप से एक अभियान के रूप में कि हर जिले के लोग एक निश्चित समय पर मोदी सरकार की उपलब्धियां और राज्य सरकार की विफलताओं के ऊपर में हमारे विभिन्न वक्ता भाषण दे और अलग अलग गिरोह के लोग अलग अलग समय पर सुने और उसी अभियान के तहत जनसंवाद कार्यक्रम के तहत आज यहां पर धमतरी जिले की रैली को संबोधित करने के लिए मुझे दायित्व तो सौंपा गया है। हमारे मंच पर उपस्थित हैं, फिर उनको आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए? लोगों की इस भावना को भी पूरा करने का काम अगर किसी ने किया तो मोदी सरकार ने किया। यहां सवर्णों को 10% आरक्षण देने के लिए, चाहे वो नौकरी में आरक्षण हो, चाहे वो शिक्षा में आरक्षण हो, इस आरक्षण का भी प्रावधान अगर किसी ने किया तो वो मोदी की सरकार ने किया। और यूएपीए कानून बनाकर आतंकवादियों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए आज कश्मीर के आतंकवादी छूट जाते थे, देश का आतंकवाद कर वो दूसरे देशों में भाग जाते थे, उसके लिए यूएपीए कानून बनाकर अगर आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए किसी ने कानून बनाया तो मोदी जी की सरकार ने बनाया। आज हमारे बहुत सारे भाई जो बांग्लादेश से आकर, जो अफगानिस्तान से आकर, जो पाकिस्तान से आकर हिंदुस्तान में रह गए परंतु उनको यहां की नागरिकता नहीं मिली, वो मुस्लिम भी है, वो पारसी भी है, वो हिंदू भी है, वो सिख भी है, वो ईसाई भी है, अगर उनको नागरिकता देने का काम नागरिकता संशोधन कानून किसी ने लाया तो मोदी जी की सरकार ने लाया।